हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माई जी नॉलेज में। आज हम जानने वाले हैं, देखो ये वीडियो दुकानदारों के लिए भी है, टेक्नीशियन के लिए भी है और कस्टमर के लिए भी है। तो अगर आप कस्टमर हो तो आपको आपके सामने दिक्कत आ रही होगी इस टाइप से ना, इसका ये फोल्डर उखड़ गया है। ये साइडों से आपको दिख रहा होगा, इस साइडों से फोल्डर उखड़ गया, बाकी यहाँ से चिपका हुआ है। ठीक है, बाकी प्रॉपर और सब जगह से चिपका हुआ है, लेकिन ये साइड से उखड़ गया है। देखो, अगर आप कस्टमर हो तो आपको पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि यहीं से ग्लू भरवा दी। एक ग्लू आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपने पास ग्लू है, ये आती है, ये यहीं से साइड से भरवा दी भैया, पैसे बच जाएँ। कोई जानकार दुकानदार है और वो साइड से ग्लू लगाएगा, रबड़ लगा देगा, चिपक गया, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पैसे बच जाएंगे। देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप कस्टमर हो तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। दूसरी चीज़, अगर आप दुकानदार हैं या टेक्नीशियन हैं तो भी आपको ये काम नहीं करना है। आपको कस्टमर को खर्चा देना है, जो भी आपका चार्ज बनता है, 100-200 जो भी आप लोगे। ठीक है, और कस्टमर हो तो आपको अपना खर्चा, सब सीधी सी बात है, सभी खर्चा बचाने के लिए सोचते हैं, लेकिन 10-20-50 रुपए से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे आपके फ़ोन में अच्छा काम हो जाता है और वो और ज़्यादा चलने के लिए तैयार हो जाता है और लंबे टाइम तक चल सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई जैसा पैसा दोगे ऐसा ही काम होगा। अब कस्टमर समझदार बने तो उसको बनने दो। ठीक है, ग्लू लगवाए लगाओ, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत आएगी बाद में, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो अगर आप कस्टमर हो तो उससे पूछो, दुकानदार से, कि कितना खर्चा आएगा और ये जो फोल्डर है इसको पूरा निकाल के दोबारा से चिपकाना है। ठीक है, इसका इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ मैं, क्या है कि अगर आपने यहाँ पे इसमें ग्लू लगा दी तो इसमें ग्लू से थोड़ा सा स्पेस बन के ये थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ रह जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये यहाँ से खुलेगा, कुछ दिन बाद जब ये यहाँ से खुलेगा और यहाँ से, तो टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से इसका फोल्डर आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। जो इस ओरिजिनल फोल्डर है वो ख़राब हो जाएगा, ना ही ओरिजिनल क्वालिटी आपको मिलती है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो दुकानदार से पूछो भाई कितने पैसे लोगे, क्या खर्चा आएगा, वो जो भी बताएं अपने, 100-200-150 जो भी बताएं, इसको पूरी तरह से निकाल के दोबारे से ही चिपकाना है। ठीक है, चिपकवाना है, कस्टमर को चिपकवाना है और दुकानदार को चिपकाना है। सही सलाह दो किसी को, अगर ना माने वो उसकी अपनी मर्जी। ठीक है जी, अब हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से चिपकाना है। वैसे तो ये पूरा ही उखड़ जाएगा बड़े आराम से। ये देखो, आपको ऐसे इस टाइप के 11D ग्लास के आते हैं कार्ड, वैसे तो ये मार्केट में वैसे भी अलग से मिल जाते हैं डिस्प्ले रिमूविंग के लिए, पर ये सही है, अपना पैसा बचाओ, सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा वो नहीं है खास अंतर। ठीक है, आपको ऐसे इसमें वो गर्म वरम करने की ज़रूरत नहीं, गर्म करने की ज़रूरत पड़ती अगर ये फोल्डर किसी टेक्नीशियन ने बाहर से चिपकाया होता, और ये जो फोल्डर है ये टेक्नीशियन ने बाहर से नहीं चिपकाया, कंपनी से चिपका हुआ आया, कंपनी से इसमें एक टाइप की डबल टेप लगी होती है, डबल साइडेड टेप, जिससे चिपका होता है, उसमें हीट वीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हम इसको हल्का कोने से ऐसे करेंगे। इसका अगर आप टेक्नीशियन हो तो आप पहले पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद इसके फोल्डर को निकालना, या आपको पता हो कि ओप्पो A3s का पत्ता कहाँ होता है डिस्प्ले का, वो भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो पत्ता डिस्प्ले का कट गया तो 100-200 के चक्कर में आपको पूरा भुगतना पड़ जाएगा फोल्डर। ठीक है, या अगर आप हल्के खिलाड़ी हो तो कस्टमर को रिस्क दे के चलना कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका फोल्डर ख़राब हो जाए, मे बी, वैसे इसमें चांस तो है ही नहीं अगर आप अच्छे टेक्नीशियन हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है डर तो आप ये कह सकते हैं कस्टमर से। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको नखून से हल्का सा ऐसे उठाना है। ठीक है, इसमें यहाँ से डिस्प्ले के नीचे देख लेना कि डिस्प्ले और टच के बीच में डाल दें इसको पत्ते को, और ऐसे करके, और ऐसे, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई पत्ता उत्ता नहीं होता है और ये डिस्प्ले के नीचे ही जाते रहना चाहिए, कहीं ये यहाँ से हो चला जाए, और ये हम इसको साइड साइड से किनारी किनारी से इसको इस प्रकार से कर देंगे।
ठीक है, इस साइडों से ही चिपका होता है फोल्डर। ये हमारा ये यहाँ तक निकल गया, उसके बाद इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये निकल गया अपना, ये अपना फोल्डर निकल गया। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको, ठीक है जी, आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और इसमें क्या है, ये छूट तो गया, ये फोल्डर चालू है, ठीक है, ये छूट गया, लेकिन इसका ना पत्ता यहाँ से चिपका हुआ है पीछे से डिस्प्ले के, आपको शायद नज़र आए ना आए, मुझे नज़र आ रहा है, इसका जो पत्ता है वो यहाँ से चिपका हुआ है अंदर से डिस्प्ले से, और वो बहुत ज़रूरी है चिपका होना भी, ठीक है। तो हमको क्या करना, धीरे 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 उसको छुटाएंगे, बस ये रहा, ये पत्ता चिपक रहा था आपका, और इससे इसमें हल्का सा प्ले बन जाएगा, ये रहा, ये आपका फोल्डर रहा, ठीक है, ये रहा। अब हमको क्या करना है, हल्के हल्के से इसकी आसपास से सफाई करनी है सर्जरी ब्लेड से, या आपके पास ग्लू रिमूवर हो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। ये फोल्डर आपको ऐसे कर लेना है साइड में, ये कर लिया, ठीक है, और यहाँ से हम इसको ऐसे क्लीन कर देंगे। मेरे को समझ में नहीं आता कंपनी चिपका कैसे देती है फोल्डर, मतलब कंपनी के फोल्डर छूट जाते हैं चिपकाए हुए। अच्छा, कंपनी के छूट जाएंगे कोई बात नहीं, टेक्नीशियन का छूट जाएगा तो बात हो जाएगी। वैसे टेक्नीशियन भी आजकल कलाकार हैं, इस तरह की ग्लू यूज करते हैं, कंपनी का छूट जाएगा पर टेक्नीशियन का नहीं छूटेगा। बार बार ये अपनी जगह पे बैठ जाता है। ये हमको साफ कर लेने दो, पत्ता ना कट जाए, बस ये ध्यान रखना, रिस्क नहीं दिए तो भुगतना पड़ जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी सी बात है पर बड़ी काम की है। अब इसमें क्या होगा, समान रूप से ग्लू लगेगी, समान रूप से ग्लू लगेगी, उससे ये बेनिफिट होगा, ये छूटेगा नहीं दोबारा, कभी इस कोने से छूट गया कभी इस कोने से छूट गया, पक्का काम हो जाएगा। ये देखो, ये जो चीज है ना, गड़बड़ करती है फोल्डर में, फोल्डर को कर देती है टेढ़ा मेढ़ा, और टेढ़ा मेढ़ा फोल्डर हुआ और नुकसान हुआ बेचारे कस्टमर का, वो यही गलती कर लेता है, यहाँ से उखड़ता जाता है, वहीं से ग्लू लगवाते जाते हैं। देखो ये चीज़, ये गड़बड़ कर देती है फोल्डर में, जहाँ से बेचारे का टेढ़ा मेढ़ा हुआ वहीं से उसका काम लोना चालू। तो ये चीज़ ज़रूर छुटानी है मेरी, चलो मैं इसको छुड़ा लेता हूँ और फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। काम ऐसा करो जो दिक्कत ना आए बाद में, आपकी वैल्यू बने ना कि बिगड़े। जो काम समझ से बाहर है, जिसका सिमेट्रिक डायग्राम आपके पास नहीं है, मना कर दो काम की, क्यों पंगा लेना, रिस्क दे दो कस्टमर को, भाई डेड भी हो सकता है। एक काम कस्टमर का हमने फ्री में कर दिया, उसकी जाली साफ कर दी। अब कस्टमर जब बात करेगा तो उसको
आवाज़ ज़्यादा क्लियर आएगी कान पे लगा के बात करने में, जो आवाज़ आती है। तो ये काम ना मैं ज़्यादातर लोगों का फ्री में ही कर देता हूँ। आप सोचोगे इसमें पैसे लेने वाली क्या बात है, हमको पता है इसी चीज़ से बहुत से मिस्त्री कितना कितना कमा लेते हैं। आपको शायद नहीं पता होगी ये बात, मुझे पता है। चिपका देते हैं इसको फटाफट से। ज़्यादा ग्लू भी नहीं लगानी आपको, खाली उसकी जो किनारी किनारी है उसमें, कहीं चिपका दो इसके डिस्प्ले को भी। समझ रहे होंगे जो करते हैं ऐसा काम, छुड़ानी भारी पड़ जाती है कभी कभार, उसका गिलास चेंज करना पड़ जाए ना हमें। वो तो लगा देते हैं जी, जिम में हमें पड़ती है बाद में। इसको एक साइड से पहले कंप्लीट कर देते हैं। देखो दिस इज नॉट ए गुड वे। सही तरीका क्या है कि फोल्डर को, फोन को खोल के फोल्डर को निकाला जाए तब जाके इसको चिपकाया जाए, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको एक्सपीरियंस है, वेल डन, आप कर सकते हो, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम तो इसके ऊपर का जो गिलास टूटता है ना, टच वाला गिलास, उसको भी बिना खोले सही कर देते हैं, चेंज कर देते हैं फ़ोन को बिना खोले। एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी फील्ड में, जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस वो उस फील्ड का उतना ही तगड़ा खिलाड़ी होता है। ये लो जी, अब इसको हम चिपका देते हैं। ये चिपका दिया हमने इसको, प्रॉपर काम कर दिया। फोल्डर चालू है, फोल्डर में कोई दिक्कत नहीं आई है। वैसे मैंने कोई इसकी रिस्क दी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत आनी भी नहीं है। समान रूप से रबड़, बहुत से लोगों की स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती, वो तो रबड़ से चिपकाते ही नहीं है, टेप से चिपका देते हैं। टेप से बड़ी दिक्कत आती है, टेप से चिपका देते हैं, उसमें गोंद सी चोट चिपक जाती है पूरे फोन पे आगे पीछे डिस्प्ले पे। यही सही स्ट्रेटजी है रबड़ लगाने की, पहले ऐसे चार रबड़ लगाई और ऐसे चार रबड़ लगाई, खाट की तरह, जैसे खाट को बुन देते हैं। ये लो जी, हमारा फ़ोन ओके हो चुका है और ये अब कस्टमर को दिक्कत नहीं आएगी खड़ने की कहीं से भी कैसे भी। जितने साल ये जब से लिया था अब तक चला था, और उससे उतने ही साल और आगे चलेगा नेक्स्ट। ठीक है जी, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।